उसको तो 5 मरतबा वापस किया। अच्छा। और कह रहा है कि वोट नहीं आप लोगों को देना, घर चले जाइए नहीं तो मुकदमा कर देंगे। अगर दोबारा आओगे तो फिर जेल में बंद कर देंगे सीधा। अच्छा। अरे डंडा लेके पुखिया रहा था, मारने के लिए दौड़ा रहा था यहाँ। अच्छा। औरतें वापस आ गई हैं, माइनॉरिटी की वोटों को एक तरफा रोका जा रहा था। दोस्तों, घोषी उपचुनाव को लेकर क्या लगता है, कौन जीतने वाला है, किसका कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत है, किस पर जनता भरोसा करेगी, बीजेपी के कैंडिडेट्स पर या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स पर? जिस तरीके से यहां पर चुनाव हो रहा है दोस्तों, सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अब ये खबर सामने आ रही है कि कैसे मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। ऐसा आरोप लग रहा है कि वहां पर वोट डालने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप वोट मत डालिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सोचिए, लोकतांत्रिक देश में भी वोटिंग प्रक्रिया में खलल देने के लिए कैसे कैसे लोग जो है वो बिठाए गए हैं। क्या चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? ये मैं नहीं दोस्तों कह रही हूं, जो सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से वीडियो शेयर किया गया है, वो वीडियो कह रहा है कि मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। इससे पहले भी, चुनाव से पहले भी मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को वोट ना देने की सलाह दी जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, मदरसे में घुस घुस कर पिटाई की जा रही थी, मौलानाओं को मारा जा रहा था। और आज जब चुनाव हो रहा है, उपचुनाव घोषी में जिस सीट से, आज 6 राज्यों में दोस्तों वैसे तो उपचुनाव है, 6 राज्यों की सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और जो बीजेपी की यहाँ पर सरकार है, इसको लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें किसके तकदीर में क्या फैसला लिखा जाएगा, क्योंकि ये फैसला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक एक जीत जो है वो हर दल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2024 से जुड़ा हुआ है। हाँ, विधानसभा चुनाव होता तो समझ में आ जाता कि ये राज्य हार गए, कोई नहीं दूसरे राज्य में हो जाएगा, लेकिन ये कुर्सी की जो लड़ाई है, ये पीएम की कुर्सी की लड़ाई है। और यहाँ पर अब ये लड़ाई जो है मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स के जो वोटर्स जो हैं, मुस्लिम समुदाय के, यहाँ पर करीब 90,000 से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं घोसी उपचुनाव सीट पर, तो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदायों का जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतदाताओं को, दाढ़ी टोपी वालों को भगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि घोसी उपचुनाव में CEO विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं का वोटर आईडी और आधार कार्ड छीन लिए गए हैं और वोट डालने पर FIR दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है, संज्ञान ले चुनाव आयोग, CEO को तत्काल सस्पेंड कर निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित कराया जाए। यानी कि जो भाजपा की तरफ से एजेंट है दोस्तों, जो पोलिंग बूथ पर बिठाए गए हैं, वो मुस्लिम समुदाय के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम वोट डालोगे तो तुम पर FIR कर दिया जाएगा, तुम पर FIR करवाएंगे। बुरखे वाली महिलाएं, हिजाब वाली महिलाएं, वो अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड लेकर भी खड़ी हुई हैं और वो भी आरोप लगा रही हैं कि कैसे उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। ये भी वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से शेयर किया गया है दोस्तों, और लिखा गया है कि मोहम्मदिया बड़ा गांव बूथ नंबर 145 पर वोट डालने जा रहे लोगों को आपका वोट पड़ गया है, ये कहकर पोलिंग बूथ से लौटाया जा रहा है, चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले। यानी कि जो शख्स, जो महिला वोट अभी तक दिया ही नहीं है, उसने अभी तक अपने मत का अधिकार ही नहीं किया है, उसको कहा जा रहा है कि आप लोगों का वोट पड़ गया है। कमाल की बातें हैं दोस्तों, कमाल की चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। राम राज्य की यही तो खासियत है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए सब कुछ हो जाता है, सब लोग खुशहाल हो जाते हैं, चाहे आपके पास नौकरी हो ना हो, रोजगार हो ना हो, नौकरी छीन ली गई हो, लेकिन सब खुशहाल है। ऐसे ही जैसे वोट देने के लिए लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन वोट वो दिए नहीं है, लेकिन दिल दे दिया जा चुका है। यही तस्वीर, यही काया जो है उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तम लगती है।
कि सब कुछ किए बिना, सब कुछ ना किए बिना, माफ कीजिएगा, सब कुछ ना किए बिना सब कुछ हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप भी देखिए तस्वीर, आप भी देखिए वीडियो कि लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों के अधिकार को कैसे कुचला जा रहा है, कैसे उनके वोट्स के अधिकार को अभी से ही छीनने की जो कोशिश है वो की जा रही है। वैसे तो नफरती चिंटू आए दिन कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज दो, इनके अधिकार छीन लो, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन जो तस्वीर है, जो नज़ारा है, वो देखने को उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।